पता नहीं आसमान में दिखेगा तो है नहीं क्योंकि अंधेरा है, लेकिन इस समय आसमान में बहुत तगड़े बादल हैं और ऐसा लग रहा है कि बारिश कभी भी हो सकती है। तो हमें जो है वो घर से हमें परमिशन नहीं मिली बाहर कहीं दूर निकलने की, है ना, कहीं दूर जाने की। सो आओ चलो तुम लोगों को इंदिरा नगर घुमाए, इसी बहाने तुम लोगों को दिखा देंगे मेरे घर के आजू बाजू क्या क्या है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, मेरा घर जो है वो बेसिकली इंदिरा नगर में ही कहीं तो पड़ता है। इंदिरा नगर ना काइंड ऑफ पॉश इलाका, अरे भैया भैया भैया, इंदिरा नगर ना काइंड ऑफ पॉश इलाका है, है ना, मतलब सेकंड पॉश मानो, क्योंकि फर्स्ट पॉश जो है वो गोमती नगर है, क्योंकि गोमती नगर की तो बात अलग है भाई। और चलो हम लोग पहले भूतनाथ हम लोग चलते हैं, है ना। अगर आप लोगों को नहीं पता है, भूतनाथ इंदिरा नगर की एक बेसिकली मार्केट है। ये बेसिकली एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर लखनऊ में हर जगह से लोग आते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को वही पहले दिखाने चलते हैं। ये बेसिकली हम लोग आ गए भूतनाथ मार्केट। यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है भूतनाथ मंदिर, के उसी मंदिर के नाम पे बेसिकली इस मार्केट का नाम पड़ा है, है ना। ये देखो, ये अंधेरे में तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये मंदिर है यहाँ का। ये है भूतनाथ की छोटी सी मार्केट, लेकिन यहाँ पर काफी सारे, मतलब लखनऊ में हर जगह से बेसिकली लोग यहाँ पर आते हैं, है ना, शॉपिंग करने या कुछ करने, है ना। आज यहाँ पर आज इतनी भीड़ नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पर ना भीड़ जब होती है, स्पेशली फेस्टिवल वाले समय जब भीड़ होती है, तब ये पूरा एरिया जो एकदम खचाखच पूरा भरा हुआ रहता है। ऐसे जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ वैसे बाइक चलाने को मिलता है नहीं। सो यस, यहाँ पर काफी कुछ है, ऑब्वियसली यार मार्केट है तो आप लोग अब समझ ही सकते हो। और अगर इसके अगर लेफ्ट में अगर जाएंगे हम लोग, ये बेसिकली सब्जी मंडी है इंदिरा नगर की, है ना। इसको भी कुछ तो कहते हैं, लेकिन मैं बचपन से मैं सब्जी मंडी ही जानता हूँ, है कि सब्जी मंडी है। मेरा ये सब दिखाने का आप लोगों को प्लान था तो नहीं, है ना। मेरा प्लान तो ऐसे कहीं दूर निकलने का था, लेकिन अब जब दूर जब हम जब नहीं जा पा रहे हैं तो अब क्या किया जा सकता है। ये यहाँ पर एक स्कूल भी है, सेंट डोमिनिक स्कूल। बचपन में ऐसा सुनते थे कि इसमें एंट्रेंस इसमें लेना काफी मुश्किल है, है ना, उतने आसानी से इसमें एंट्रेंस मिलती नहीं है, लेकिन बाद में जाके पता चला कि सब कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं है ऐसा। देख लो भाई, बीच रोड पे एकदम खड़े हो जाते हैं स्कूटी लगा के। ये हम लोग जितने एरिया में घूम रहे हैं ना, इंदिरा नगर का एक पोर्शन है, ब्लॉक वाला एरिया है ना। यहाँ पर ब्लॉक ब्लॉक यहाँ पर है, जैसे ए ब्लॉक हो गया, बी ब्लॉक हो गया, सी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, और यहाँ पर ऐसे यहाँ पर भसड़ मच जाती है ना। यहाँ से अगर लेफ्ट अगर चले जाएंगे तो फैजाबाद रोड आ जाएगी, और राइट अगर चले जाएंगे तो वापस वहीं पर ही हम लोग पहुंच जाएंगे जहाँ पर कौन है वे पीछे पे 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 इतने देर से कंटिन्यूसली किया पड़ा है, जा निकल जा। ये तो हो गया भूतनाथ। आओ चलो तुम लोगों को ए ब्लॉक के साइड में ले चले, है ना। ये इंदिरा नगर जो डिवाइडेड है ना, ये पूरा ब्लॉक में डिवाइडेड है, है ना, एबीसीडी ब्लॉक में डिवाइडेड है। यहाँ से अगर सीधे अगर जाएंगे तो हम लोग शालीमार चौराहे पे और मीना मार्केट में बेसिकली पहुंच जाएंगे। इंदिरा नगर जो है ये बेसिकली एक जमाने में रेजिडेंशियल कॉलोनी थी, जैसे प्लॉटिंग जैसे नहीं बेची जाती है। मैं आप लोगों को मैं 80-80 का बता रहा हूँ, 70-80 के समय का, तो उस समय बेसिकली प्लॉटिंग थी, लेकिन आज जो है ये पूरा डेवलप हो चुका है। ये जो चौराहा था ये शालीमार का चौराहा था, इसका नाम है शालीमार चौराहा। यहाँ पर एक पिज्जा वाला था, रोमियो पिज्जा, जो कि बहुत वाहियात पिज्जा बनाता है, मतलब क्या कहते हैं, एक तो सड़ा हुआ पिज्जा बनाता है। मैं इस तरफ से मैं आप लोगों को लेके कभी कभी जाता हूँ अपने मोटर ब्लॉग्स में, लेकिन मैं कभी उतना जिक्र नहीं करता हूँ, है ना। देखिए ये वाला जो एरिया है, मतलब इसको मीना मार्केट कहते हैं, और ये एक सुपर राइडर करके बाइक की दुकान है जहाँ पर हेलमेट वेलमेट और मॉडिफिकेशन का जहाँ पर सामान मिलता है। यहाँ से अगर आगे जाओगे तो लेखराज मार्केट आ जाएगा, है ना। चलो दिखाते हैं तुम लोगों को। अरे ये कौन सी गाड़ी है भाई, छोटी सी भाई, इतनी छोटी गाड़ी थी वो। हाँ तो गाइज ये जो है ये लेखराज है, लेखराज की मार्केट इसको कहते हैं। ये पूरा प्लाजा है लेखराज का। अरे हमें सामने बजाज का हमें लोगो दिख रहा है, बजाज का लोगो यहाँ पे क्या कर रहा है सर, है ना। ये जो आप लोग जो देख रहे हो ना प्लाजा, यहाँ पर दुकान वकान है, मतलब मार्केट ही है पूरी। ये काफी लंबी मार्केट है लेखराज की मार्केट, और ये पीछे मेट्रो स्टेशन था लेखराज का। बताओ भाई, हमारे घर से हमें परमिशन नहीं मिली तो आज हम आप लोगों को आज अपने घर के आजू बाजू को दिखा रहे हैं, है ना। देख लो भाई हमारे घर के आजू बाजू क्या है। अच्छा मेरे घर के ना आजू बाजू काफी कुछ है देखने लायक, है ना, खाने पीने लायक, लेकिन होता है ना जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो कुछ ज्यादा कुछ मजा नहीं आता है उसमें। यहाँ से अगर सीधे निकल जाएंगे तो भूतनाथ मार्केट पहुंच जाएंगे। इस वाले मार्केट को भी कुछ कहते हैं, मुझे नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन नाम अब नहीं याद आ रहे तो नहीं याद आ रहे, क्या करें। वो जो सजावट है वो यहाँ पर भी की गई है, हमारी नजर जो है वो पहली बार जा रही है यहाँ पर, मतलब ये जो लाइट में बीच में स्ट्रीट लाइट पे ये जो सजावट है। और ये हम लोग वापस वही शालीमार चौराहे पे हम लोग आ गए। यहाँ से अगर सीधा अगर चले जाएंगे तो आम्रपाली मार्केट में बेसिकली पहुंच जाएंगे। आप लोग समझ सकते होगे, मतलब मेरे घर के आजू बाजू काफी मार्केट है, लेकिन हम इनमें से हम कहीं पर भी हम नहीं जाते। हम जाते हैं या तो अमीनाबाद जाते, नहीं तो गंज जाते हैं।
सब फालतू लगती है यार ये सब। यहाँ पर आके घूमने का मतलब है कि दिमाग खराब हो जाना ट्रैफिक में। हम लोग अभी जिस तरफ अभी जा रहे हैं वहाँ पर तो बम्पर ही बम्पर ट्रैफिक होती है। अब पता नहीं अब आज हम मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी चलो। ये देख लो, ये है आम्रपाली की मार्केट, देख सकते हो ये पूरे मतलब लंबा सा मार्केट है ये पूरा, है ना। यहाँ पर भी काफी कुछ है और इस तरफ बेसिकली नॉनवेज अच्छा खासा मिलता है। अरे भाई यहाँ पर बिल्डिंग बन गई क्या है? भाई मैं भी पहली बार देख रहा हूँ यार, मतलब उतना होता नहीं है ना इतना इधर आना। इधर क्या करेंगे आगे, क्या अंधेरे में क्या करेंगे भाई? देख रहे हो ना भाई, पता नहीं क्या क्या खुला हुआ है भाई साहब यहाँ पर, मुझे खुद नहीं पता इतनी सब कुछ खुला हुआ है यहाँ पर। और एक जो लोगो है आप लोगों को हर जगह दिखेगा वो है ये ओप्पो का लोगो, है ना। ये तो भाई हर जगह दिख जाता है। ये वाला एरिया है बाय द वे बी ब्लॉक वाला एरिया यहाँ पर। आई एम रियली सॉरी गाइस, अब ऐसी भसड़ा मची रहती है क्या करे। यहाँ पर बी ब्लॉक में बेसिकली हम लोग जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो उस समय यहाँ पर ड्रेस मिलती थी स्कूल की हम लोगों की, तो यहाँ से हम लोग ड्रेस हम लोग लेने आते थे। अरे भाई बारिश होने लगी, मम्मी सही थी। अच्छा भाई मैं दूर नहीं गया है ना, नहीं तो सही में मैं बारिश में ही भीग जाता। इस समय बारिश हो रही है धीरे धीरे हल्की हल्की। यहाँ पर एक बेसिकली वो वेज कबाब पराठे वाले एक लगाता था काफी अच्छा, पहले तो बनाता था लेकिन अभी का पता नहीं, है ना। चलो गाइस बारिश हो रही है घर चलते हैं, है ना, नहीं तो फिर से अगर मैं भीग जाऊंगा तो डांट पड़ेगी घर पे। मतलब इंदिरा नगर ना काफी बड़ा है, तो मुंशी पुलिया वो सब है इंदिरा नगर है, लेकिन हम आप लोगों को उस तरफ लेके नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर जाना मतलब ट्रैफिक में फंस जाना। अरे बाप रे ये क्या है भाई, स्कूल है इरम इंस्टीट्यूशन, है ना। ये पता नहीं भाई, ये पहले तो बहुत गंदा सा दिखता था, है ना, अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे हॉल ऑफ फेम बनाए हैं ये लोग। ये भी एक मार्केट है बाय द वे, है ना, इसको कहते हैं शिवाजी मार्केट। मतलब मेरे एरिया में ना आसपास बहुत सारी मार्केटें हैं, है ना, यहाँ पे यही सब चलता रहता है, है बस काम की चीज बस नहीं मिलती है। चले जाओ पूछने भैया DSLR का मेमोरी कार्ड रखे होगे क्या, है ना, कोई नहीं भैया ये क्या होता है हमें तो पता ही नहीं है। यार वो यही चलता है यार। ये देखो ये है सी ब्लॉक का चौराहा, ये है बेसिकली वो टिक्की वाला, है ना, एक मतलब इंदिरा नगर ये काइंड ऑफ लोकल की फेमस टिक्की है ना। यहाँ पर काफी लोग आते हैं खाने पीने टिक्की। यहाँ से सामने अगर जाओगे तो ये कलेवा बेसिकली आ जाता है ना, कलेवम स्वीट शॉप का एक नाम है ना, ये देख रहे हो ना कलेवम स्वीट्स, है ना, ये है कलेवम स्वीट्स। ये भी काफी पुरानी मतलब मिठाई विठाई की दुकान है। सो चलो गाइस अभी मैं अभी क्या करता हूँ, मेरा छोटा सा ये वाला ब्लॉग जो था ये इंदिरा नगर का भ्रमण का ब्लॉग था बेसिकली, क्योंकि हमें जो है वो दूर जाने की हमें परमिशन मिल नहीं रही थी, इस वजह से हमें यहीं पर ही हमें आना पड़ा। मतलब आप लोगों को बेसिकली मैं दिखा रहा था कि इंदिरा नगर में क्या क्या है घूमने फिरने लायक। अगर आप लोगों को नहीं पता है हम इंदिरा नगर में रहते हैं, मेरा घर है इंदिरा नगर में। सो चलो गाइज अभी मैं अभी क्या करता हूँ, आज के इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही खत्म। सो चलो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव हो कोई भी कमेंट हो कुछ भी अगर क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है उस पर जाकर लिख देना। तो चलो गाइज आज के लिए बस इतना ही, आज के इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही खत्म और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, मतलब कल। अरे भाई बारिश तेज हो गई। चलो गाइज बाय बाय, है ना, हम अपने घर जाते हैं। सी यू सून टुमारो।